क्वारंटाइन हूँ उसकी वजह है मेरी वालदा। ये मुमरा कोसा से जितने भी लोग मैं बोलता हूँ काम कर रहे, मैं इनको सबको सलाम करता हूँ कि फील्ड मेरे के काम कर। लेकिन आपने अभी तक कितने टन राशन बांटे? और लोग मेरे से शायद यही परेशान है कि इसको कौन बोलता है बार बार। तो अल्लाह का शुक्र है कि 35 साल मैंने खिदमत किया बगैर रिश्वत की खिदमत किया, और ना मुझे कारपोरेशन का चुनाव लड़ने का, ना मुझे MLA लड़ने का है। लेकिन मुमरा की कोई भी लड़ाई में सईद अली का पैर पहले रहेगा और उसके घराने का पैर पहले रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरा मुमरा से वोट की राजनीति मुझे करना ही नहीं। मुमरा से ना मुझे MLA का चुनाव लड़ने का है, ना मुझे कारपोरेशन का चुनाव लड़ने का, ना मेरी कोई फैमिली का आदमी चुनाव लड़ेगा। कि मैं 93 के फसाद के दौरान मेरे सीने पर राइफल लगने के दिन तक मैं पीछे नहीं हटा था। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। तो जैसा कि आज 52 से 55 दिन लॉकडाउन हो चुके हैं, देश लॉकडाउन में है, और आगे कितना दिन चलेगा ये बताना मुश्किल है। सरकारें तय करेंगी कि आखिर लॉकडाउन कितने दिन और चलेगा। लेकिन इस बीच हमने आपको कई ऐसे चेहरे सामने लाए थे, जो चलते चलते शो में हमने बात किया था कि जो मजदूरों की जो मामला है, जो गरीबों की मामला है, वो किस तरह से लोगों के प्रति जाकर वो मदद कर रहे हैं, हमने चलते चलते शो में आप तक पहुंचाया था। लेकिन आज एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाएंगे जो मुमरा कौसा की जो है एक हिस्सा है, और मुमरा कौसा में जो है काफ़ी उनका चर्चा है, हर बच्चों के, बूढ़ों के, सभी के जबान पर एक ही चर्चा है, वो सैयद अली भाई साहब। तो हम आज सैयद अली भाई साहब से बात करेंगे चलते चलते शो में कि मुमरा कौसा में जिस तरह से, हालांकि पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन मुमरा कौसा में गरीब तबके के लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, रहते हैं, और ऐसे हालात में भाई साहब जो सैयद अली भाई साहब हैं वो किस तरह से लोगों के प्रति जो है मदद कर रहे हैं, हम उसके लिए उनसे बात करेंगे। भाई साहब जो है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो है मुमरा कौसा के चहेते हैं, और इस महामारी के बीच आपने किस तरह से मुमरा कौसा वासियों को जो है हेल्प किया है, मदद कर रहे हैं, आगे आए हैं, वो आप बताइए। आज का फ़ोन का दौर है, जैसा आपने मुझे ढूंढ लिया ऐसे मैं भी सबको ढूंढ लेता हूँ, और लोगों से बात करता हूँ, लोगों को जो ज़रूरत है वो करके देता हूँ। मेरा ऑफिस है, वो ऑफिस चालू है मुमरा के अंदर। तो जितना हो सकता है वो मेरी तरफ से जो है वो मैं कर रहा हूँ आवाम के लिए अपनी। तो सैयद अली भाई साहब, जैसा कि मालूम है लोगों को कि आप जो है काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के प्रति जो है वो आ रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन के हिसाब से आप जो है, लॉकडाउन जिस तरह से हुई है उस बेस पर आप जो है मुमरा नहीं पहुंच सक रहे, लेकिन उसके बाद आपने मतलब क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो भी काम बोला गया, लोगों ने बोला मुझे, वो चीज़ को मैंने बात किया, आमदार जितेंद्र रावड़ साहब से बात किया, जब वो अच्छे थे तब भी चल रहा था। उसके बाद वो जब बीमार पड़े तो एक जिम्मेदारी बढ़ गई कि शहर के अंदर बात करना पड़ेगा, चाहे मनीष जोशी हो, चाहे कोई भी अफसर हो, मैंने सबसे बात किया, चाहे पुलिस ने नाजायज़ किसी को मार के हाथ तोड़ दिया उस पर भी मैंने बात किया। तो अपने शहर से अपना लगाव है, अपने शहर के तरफ हर एक पल की खबर रहती है, जो भी रहती है, जैसी भी रहती है, उस तरीके की। हाँ, एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ है कि अभी एक हमारे दरगाह मस्जिद के इमाम साहब थे, उनकी बच्ची जो है उसके पेट में पानी भरने की वो था, वो मर गई, और उसको किसी ने ट्रीटमेंट नहीं किया और मुमरा के हॉस्पिटल ने। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा गम है, और पूरे शहर को इस बात का गम है कि हम अपने शहर के अंदर कुछ चीज़ों की वजह से कई लोगों की जानें हमने नहीं बचा पाए। इसका अफसोस है कि अगर शायद मैं फील्ड में रहता तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता था। भाई साहब, पूरे मुमरा कौसा वासियों को आपकी कमी है, क्योंकि वो कमी महसूस कर रहे हैं कि एक भाई साहब जो है जो बोलते हैं वो करते हैं, और ऐसे में जो है मुमरा कौसा में कोई भी मामला आता है तो भाई साहब सबसे आगे होते हैं। तो आज इसी चीज़ को लेकर जो है मुमरा कौसा में ये बात को खाई जा रही है कि इस महामारी के बीच भाई साहब मुमरा शहर में नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह क्या रही है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरी माँ की उम्र 80 साल है और मेरा बच्चा जो है 2 साल का है, और इत्तेफाक से जब लॉकडाउन हुआ तो मैं यहाँ पे था मुंबई में, तो उसी वक्त लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से मैं मुमरा नहीं पहुँच पाया। इत्तेफाक से अगर मैं मुमरा रहता था तो फिर मुझे उधर ही रहना पड़ता था। तो जिस तरीके का सलाह हुआ कि भाई ये बीमारी ऐसी है कि जितना हो सके उतना आप दूर रह के आवाम के काम कीजिए, क्योंकि
हो सकता है कि अगर मैं मुमरा में रहता तो मेरा ऑफिस चालू रहता, तमाम सब लोग आते, सियासी शख्सियत आती, सामाजिक शख्सियत आती थी, हो सकता है कोरोना मुझे भी हो सकता था, मैं हो सकता है मैं और कंटेनर बढ़ सकता था, मेरे वजह से भी लोगों को फैल सकता था। तो अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा सामाजिक संस्थाओं का साहब, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं ने मुमरा के अंदर बे इंतहा दिल से, खुलूस से, मोहब्बत से मैं काम किया, उसको मैं सलूट करता हूँ। जिसके लायक जो ज़रूरत थी, जिसके पास जो था, वो उसने अपने शहर को दिया। भाई साहब जो है मुमरा कौसा के जो है आप चहेते हैं, जैसा हमने पहले ही कहा, और मुमरा कौसा से आपको कितना प्यार है ये बताइए। मुमरा कौसा से मुझे इतना प्यार है कि जो लोग बात कर लेते हैं, मैं उनसे मेरा लगाव ये है कि मेरा बचपना मुमरा का, मैं थर्ड से लेके फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन मैं ना, उसके बाद मुमरा की दूसरी मस्जिद मेरे वालिद ने बनाया। मेरा बचपना, मेरी जवानी, और मेरा आज मेरी एज है 52। मैं पहली मर्तबा 35 साल की 36 साल के मेरे राजनीतिक पॉलिटिकल जीवन के अंदर मैं 56 दिन मुमरा से दूर रहा हूँ। मैं जबकि राजनीति में आप लोगों को मालूम है कि मैं बोलने की वजह से लोग मुझसे ज़रा चिढ़ते, तो मैं कॉरपोरेशन का चुनाव भी जो है बहुत जल्दी जीत नहीं पाता था क्योंकि लोग सब हरा देते थे मुझको। तो मैं एक ही मर्तबा कॉरपोरेटर रहा हूँ, नेता ज़रूर रहा हूँ, लीडर रहा हूँ। तो जब लीडर रहोगे तो ये आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं सब लोग सिस्टम में मिल के कहीं ना कहीं, वो बहरहाल वो सब जाने दीजिए। तो ये 56 दिन मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं मुमरा से दूर हूँ, इसका मुझे खाया जा रहा है, खाता है। भाई साहब जिस तरह से देखा गया है मुमरा कौसा में, कुछ ऐसे भी नेता हैं, कुछ ऐसे भी समाज सेवक हैं जो जान की बाजी लगाकर लोगों के प्रति जाकर लोगों की मदद कर रहे, ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह से सराहना? मैं उनके मैंने कहा ना कि जो इस वक्त चाहे वो हाईवे पे काम कर रहा हो, चाहे वो मोहल्ले और गलियों में काम कर रहा है, जो पब्लिक के बीच में जाके काम कर रहा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, अल्लाह उनके सारे मैं उनके लिए क्या दुआ कर सकूं कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के आवाम के दरमियान रह के उन्होंने काम किया है, मैं उनको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। जिस तरह से जो है आपने लोगों की मदद कर रहे हैं, ट्रक के ट्रक आप जो है राशन जो है भिजवा रहे हैं मुमरा कौसा में, तो ये जो राशन आप भेज रहे हैं तो ये मतलब किस बैनर के तले आप लोग काम कर रहे हैं, किस मकसद से काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि पहले तो ऐसा है कि ये तीसरा राउंड गया है, अभी चौथा राउंड ईद के बाद भी भेजूंगा। पहले राउंड में 8 टन गया, फिर शायद 5 टन गया, फिर शायद 4 टन गया, आप ही लोग देख लो जाके, मैं तो वहाँ हूँ नहीं। ये हमारे वालिद के नाम से ट्रस्ट है, शहीद राह मदीना अनवार अशरफ एकेडमी, इसके बैनर तले ये काम हो रहा है, और ये काम मुमरा में भी हो रहा है, और ये काम बम्बई में भी। कैसे कर पा रहे हैं आप? जो आप तो घर में हैं, फिर कैसे कर पा रहे हैं? ये पूरी टीम है हमारी, जिस तरीके से मैं नहीं हूँ मुमरा में, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है, तमाम मुमरा की सोशल टीमें भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन के माध्यम से। लोगों को दिखाई दे रहा है मुमरा कौसा में जिस तरह से आप जो है राशन दे रहे हैं लोगों को, काफ़ी अच्छी संख्या में मतलब आप दे रहे हैं, ताकि उसका एक महीने का राशन आप लोग दे रहे हैं किट बनाकर, लेकिन मुमरा कौसा में ही सिर्फ आपका ध्यान है या और कहीं ध्यान है? देखिए ऐसा है कि अब की बार मैं लॉकडाउन की वजह से मुंबई में रह गया, तो मुमरा कौसा तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन उसके अलावा भी मैं यहाँ पर भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जैसा कि मैं वर्ली कब्रस्तान से भी जुड़ा हूँ जो जीजा माता के अंदर है। अब तक 36 बॉडी वहाँ पर दफन की गई कोविड की, और मैं उसका ट्रस्टी और चेयरमैन हूँ, तो उसके अंदर भी मुझे जाना पड़ता है, वहाँ पे मुंबई में जाना पड़ता है, बीएमसी में, कभी पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ता है, क्योंकि चेयरमैन मैं हूँ, उनको लाके जगह बताना, उनको खड्डा करवाना, इस तरीके की भी जिम्मेदारी। एक दूसरी जिम्मेदारी और भी है कि हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट है अपना डंकन रोड के ऊपर हमारा मदरसा है, वहाँ पर जो है एक ग्राउंड है बड़ा, उस ग्राउंड के अंदर हमारा जो है सेहरी का और अफ्तारी का प्रोग्राम चलता है, और बहुत डिसिप्लिन से मैं आपको उसकी वीडियो फिल्म दे देता हूँ। वो पहली रमज़ान से 30 रमज़ान तक चलेगा,
वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी, उसको हमारे सब मानने वाले लोग जो हमारे वाली साहब के इस लॉकडाउन में भी मतलब लॉकडाउन में भी चालू है, मतलब अगर डिसिप्लिन के तहत इसी उसी थीम के सहित दो नगर सेवक दो नगर सेविका, तो यानी ये जो चार का पैनल हुआ, अब जो मजबूर लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, वो जाएं तो किधर जाएं? वो कहते हैं कि वहां जाइए आप, दूसरे नगर सेवक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं वहां पे जाइए आप, तो इस तरह से जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैं एक ही कहूंगा कि भूखे का कोई धर्म नहीं है, वो मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो, गरीब गरीब है, परेशान लोग हैं, जितना हो सके किसी को इसमें मत बांटो कि तुम कहाँ रहते हो, उनके चप्पलें घस जा रही भाई साहब, तुम कहाँ रहते हो ये सवाल छोड़ देना चाहिए, ये सवाल रखना चाहिए कि हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम उनको कोई ना कोई तरीके से, मैं बोलता हूँ कि एक किलो अनाज दे दो, आधा किलो अनाज दे दो, लेकिन जितना हो सके करो, उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर मत करो। मैंने वर्ली कब्रस्तान के अंदर देखा है कि बेटे को भी अलाउ नहीं था बाप के जनाजे को छूने का, तो अब इससे बुरा दिन और इससे बुरी रातें हम शायद अपनी ज़िंदगी में आगे देखें या हमारे पुरखे देखें, हमने तो नहीं देखा था, ना हमने अपने वालिद से सुना था, ना दादा से हमारे वालिद ने सुना था। तो ये दौर जो है सियासत का, बात करने का, किसी को नीचा दिखा के किसी को ऊंचा दिखाने का, और मतलब किसी गरीब के साथ करना चाहिए, ऐसा ये दौर नहीं है। इस दौर ये दौर सिर्फ है कि अल्लाह से तौबा कीजिए, और जिसके जो इंसान जिसके जो काम आ जाए, मैं तो बोलता हूँ कोई एक कटोरे चावल के साथ भी आ जाए तो अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। कि जो नगर सेवक हैं, पहले तो वो राशन देने से पहले उसकी जांच करते हैं कि उसके पास राशन कार्ड है कि नहीं, उसके पास जो है वोटिंग कार्ड है कि नहीं, उसके तहत राशन दिया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि नगर सेवक ये मजबूरी में रहता है कि मैं जितने वार्ड हुए वो वार्ड के अंदर जितना हो सके ज़्यादा काम कर लूँ, मेरे वार्ड के लोग हैं तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचा सकूँ, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी बनती। बाद में लोग ये भी बोलते हैं कि नगर सेवक कुछ नहीं काम किया, हम भूखे रह गए और नगर सेवक आराम से बैठा था, तो एक सवाल ये भी उठता है। तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं थोड़ा बाउंडिंग में आ जाता है। अब जैसा मेरे जैसे आदमी को कोई बाउंडिंग नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरा मुमरा से वोट की राजनीति मुझे करना ही नहीं, मुमरा से ना मुझे MLA का चुनाव लड़ने का है, ना मुझे कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने का, ना मेरी कोई फैमिली का आदमी चुनाव लड़ेगा। बॉम्बे में रहकर जो है कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, मुमरा कौसा को भी देख रहे हैं और भी अन्य जगहों को देख रहे हैं, ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अगर काम करने के अल्लाह ने आपको सलाहियत दिया है और आपको जज्बा दिया है और आप में हिम्मत दिया है, तो आप काम UP से बैठ के जो है बम्बई को भी कर सकते हैं हैंडल, और दिल्ली से बैठ के मोदी बैठ के दिल्ली से पूरा दुनिया पूरे हिंदुस्तान को हैंडल कर रहा है ना। तो इसमें अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इतना लोगों का व्हाट्सएप मैसेज तुरंत क्लिप बना के तुरंत भेज देना, तुरंत ये अफसर का नंबर भेज देना, तुरंत इसका ये भेज देना कि फला जगह पे ये चीज़ें नहीं पहुँची है, आप फ़ोन कीजिए। आप उन कंसर्ट अपने नगर सेवकों को फ़ोन कर देते हैं कि भाई देख लो ज़रा, तुम लोग देख लो, हर आदमी के गली के बारे में मुझे मालूम है, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो बांगी हो, मुमरा से कौसा तक हर गली और हर उसका नक्शा मेरे दिमाग में है। तो मैं जानता हूँ कि कौन सामाजिक आदमी है, कौन सियासी आदमी है, कौन किस पार्टी का आदमी है, किसी भी पार्टी का। मैं दूसरी भी पार्टी के लोगों से काम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही पार्टी के लोगों से काम लेता हूँ, मुझसे जिसको जहाँ से मुझे काम मिल जाए मैं वहाँ से भी काम लेता हूँ। मुझे कई लोगों ने ऐसे फ़ोन किए कि भाई साहब जो राशन बांट रहे हैं वो राशन जो है वो सरकारी तौर पर राशन है, लोगों को फ़ोन करके जो अधिकारी है उनसे मंगा कर जो है वो राशन बांट रहे हैं, इस बात को क्लियर करिए आप जो है वो ऐसा, कौन सा राशन है? ऐसा है कि मेरा नाम सैयद अली अशरफ भाई साहब है, और अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि अगर उस राशन कार्ड के उस अधिकारी या सरकार, वैसे तो मेरा संबंध डायरेक्ट भुजबल साहब से है, मेरा एक फैमिली रिश्ता भुजबल साहब से, और भुजबल साहब क्या है, अन्न एंड पुरोठा मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, तो मैं अगर एक फ़ोन करूँगा ना तो जिसको ज़रूरत हो उसके यहाँ ज़रूर मैं गिरवा दूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं, अल्लाह का करम है, मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले, हमारे ख़ानदान के मानने चाहने वाले, अगर उनको ज़रूरत है तो मैं उनके यहाँ भिजवा सकता हूँ, इतनी बड़ी ताकत मेरी है। मतलब ये जो राशन, ये मतलब मतलब ये आपके संस्था के थ्रू या आपके खुद के खरीदे हुए पैसे? गरीब नवाज मस्जिद ट्रस्ट सबसे पुराना ट्रस्ट है मुमरा कौसा का, मदरसे का। अच्छा,
दारुल फला मदरसा बाद में बना, सबसे पहला मदरसा अगर बच्चों को रख के पढ़ाने का काम होता है तो हमारे यहाँ होता है। हम भेज के देने वाले लोग हैं, हम सरकार से लेने वाले लोग, उसमें नाम है कहीं हमारा? जैसा कि भाई साहब जो है आप तो बॉम्बे में हैं, खैर यहाँ से जो है आप कंट्रोल कर रहे हैं, घर से बैठकर जो है लोगों तक, लोगों के घरों तक राशन आप पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो आपके कार्यकर्ता जैसा कहें या बाएं हाथ कहें परवेज भाई जिसको कहते हैं, जो सभी लोग को मालूम है कि आपके और दाहिना या बाया जो भी मानो आप, वो एक हाथ है, आपके एक हिस्सा है, तो ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे, उनके साथ और कितनी टीम थी? मैं जो लोग मेरे साथ जुड़ के हैं, परवेज है, सलाम ट्रस्ट है, नीचे बबलू काम कर रहा है, सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं भी अगर मुमरा में भी होता तो भी मैं ये काम नहीं कर पाता था, क्योंकि देखिए हमें जा सकते, अधिकारी को मिल सकते, और लग सकते, सामान उठाने का काम हम नहीं कर सकते, ये हमारे अंदर ताकत भी नहीं इतनी। लेकिन जिस तरीके से ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। कि अब ये रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, बस एक से दो दिन बचे हैं, और उसके बाद लॉकडाउन तो खैर 31 तारीख तक है, डिक्लेयर है, उसके आगे और कितने दिन जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इस बीच जो लोग और भी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं उन तक आप कैसे पहुंचेंगे और उनके लिए किस तरह से आप? ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे अपने को ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपोर्ट करना है, तो ये देखते हैं सबसे पहले कि अपना वार्ड किसका है। शानू का वार्ड है, या हमारे जफर नुमानी का वार्ड है, या रूपाली गोटे का वार्ड है, या राजन भाई का वार्ड है, या राजू का वार्ड है, या रेहान भाई का वार्ड है। इस तरीके से जब कोई फ़ोन आता है, कहीं ना कहीं से फ़ोन आ ही जाता है मुझे, और लोग मेरे से शायद यही परेशान है कि इसको कौन बोलता है बार बार, है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि 35 साल मैंने खिदमत किया और बगैर रिश्वत की खिदमत किया हूँ। 3 बसें हमारे बंजारा, जो आपने देखा होगा हमारे शैलेश नगर के ऊपर बंजारे लोग रहते हैं, आपने देखा होगा शायद, वो क्लिप भी वायरल हुई थी। तो आरिफ हमारा, आरिफ पतंग वाला, यूसुफ पतंग वाला, अभी बेचारे वो कोविड हो गया उसको, आरिफ यूसुफ को, हाँ यूसुफ को, मैंने उनके साथ अन्याय भी हुआ, पुलिस ने नाजायज़ भी किया, उनके साथ मारपीट किया, झूठा नाम फंसाया, उनके वालिद को भी फंसाया है, कुछ कुछ शहर में हमारे गलत भी काम हुआ है, खास करके पुलिस ने कहीं ना कहीं गलत काम किया है मैंने। उसके बाद वहाँ से 3 बसें हमने भरा, 3 बसें बाकायदा उनका परमिशन वगैरह निकाल के वो करके उनको हमने मारा कर्नाटक के बॉर्डर के पास उनको पहुँचाने का काम किया। तो टीम कहीं ना कहीं हो जाता, देखिए एक लीडरशिप चाहिए, मैंने काम करने वाले लोग मौजूद है, लोग बोल रहे हैं कि बोलो भाई साहब कहाँ जाना है। मैं ये डरता हूँ कि यार कहीं खुदा ना खास्ता इसको कुछ हुआ तो इसकी माँ बाप बोलेंगे यार भाई साहब ने भेज दिया, इसको कोविड हो गया। लेकिन भाई साहब जिस तरह से आप जो है क्वारंटाइन हो गए, शायद डर गए या कुछ और वजह है, लेकिन कि मैं 93 के फसाद के दौरान मेरे सीने पर राइफल रखी गई थी, तब मैं पीछे नहीं हटा था, तब तो मुमरा में कोई था ही नहीं, मतलब आप घरे नहीं ना, लेकिन क्वारंटाइन तो है। हाँ क्वारंटाइन हूँ, उसकी वजह है मेरी वालदा, कि मुझे मालूम मैं हूँ तो ये होगा, मैं ही नहीं रहूँगा तो होगा कहाँ से। आप देखा शमीम भाई का हाल क्या होगा, देखा होगा आपने, पूरी पूरी फैमिली लटके गई मेरा। अल्लाह जो काम कर रहे इस फील्ड के अंदर, चाहे कोई हो, जितने भी जफर नुमानी हो, शानू पठान हो, राजन केनी हो, मोरेश केनी हो, मेरा राजू अंसारी हो, जितने लोग भी काम कर रहे हैं जिनका नाम नहीं भी, अपना शाह आलम हो या मुमरा कौसा से जितने भी लोग मैं बोलता हूँ काम कर रहे, मैं इनको सबको सलाम करता हूँ कि फील्ड मेरे के काम कर। भाई साहब जो है कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जो नगर सेवक 25 टन 30 टन की बात करे राशन बांटने की, वो नहीं बांटे, लेकिन आपने अभी तक कितने टन राशन बांट? देखिए मैं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं, खिदमत जो मुझे करना है मैं जानता हूँ। पहली शिफ्ट में 8 टन गया है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में 6 टन गया है, फिर 4 टन गया है, और ये सारी चीज़ें और सारी लिस्ट और सारी गाड़ियों के नंबर विद COVID-19 के साथ मुंबई से गया है, ये सारी चीज़ें आपको परवेश के पास मिल जाएगी। मेरे से अच्छा जानता हुआ है कि क्या क्या पहुँचा है वहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद 400 हैम्पर और भी भेजने की तैयारी मुझसे मेरे भाई साहब ने कहा है,
कि भाई साहब उसके बाद भी लोग आएंगे कहीं ना कहीं, तो कोई वापस ना जाए। और मैंने आज ही जफर नोमानी के यहाँ 100 किलो चावल, राजू अंसारी के यहाँ 100 किलो चावल, शाह आलम के यहाँ 100 किलो चावल, रूपाली घोटे के यहाँ 100 किलो चावल, मैंने ये अपनी तरफ से भेजा, अपनी तरफ से आज मैंने भिजवा दिया उनके पास। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, फिर मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी नजदीक आया, तो मैं आपको ढूंढते हुए आपके नजदीक आया कि मुमरा कौसा वालों को काफी फिक्र है आपकी। मैं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, और ना मुझे कारपोरेशन का चुनाव लड़ने का, ना मुझे एमएलए लड़ने का है, लेकिन मुमरा की कोई भी लड़ाई में सईद अली का पैर पहले ही रहेगा और उसके घराने का पैर पहले रहेगा, क्योंकि हमने शहर को बसाया है और शहर को बसते हुए इन आंखों से देखा है। अब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई है, हम उस दौर के थे कि जब हमको कोई झापड़ मारता तो हम बोल नहीं पाते थे, हम उस दौर से उस शहर को देखे हुए, और हमने दीनी दुनियावी हर तरीके की खिदमत उस शहर के अंदर दिया है। शायद नए लोगों को नहीं मालूम है, थोड़ा पीछे गए तो मालूम पड़ेगा। भाई साहब, जैसा कि आप हमेशा सच बोलते हो, ये सच का जो है भाई साहब है एक आईना है, भाई साहब जब भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि मुमरा कौसा में एक बैनर लगाया गया, उसके पहले 70,000 लोग जो है भूखा नहीं सोएंगे, 70,000 लोगों को जो है खाना खिलाया जा रहा है और कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ऐसे कई जगहों पर बैनर लगे थे और अचानक में सब गायब हो गया। देखिए ऐसा है कि कैप्टन हमारा जो है बीमार पड़ गया, उनको कोविड हो गया। व्हाट्सअप कैप्टन कौन? कैप्टन अवार्ड साहब। अवार्ड साहब, मैं तो था नहीं फील्ड में, मैं तो था नहीं, अवार्ड साहब थे, शमीम भाई आ गए थे, शानू पठान था, वो टीम थी जो बबलू शिमना था, उनकी टीम पूरी थी, वो लोग मैदान में थे, मेरे से अवार्ड साहब से बातचीत होती थी मेरा। मैं देखिए, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा, मुझे अवार्ड साहब ने भी एक बात बोला था कि जब लॉकडाउन हुआ और मैं मुंबई में मेरी अम्मी को दिखा के अस्पताल से वापस आया था और लॉकडाउन हुआ, तो मुझे फ़ोन आया अवार्ड साहब का कि भाई साहब कहाँ हो? तो मैं बोला मैं मुंबई में हूँ। तो बोले तो अभी क्या इरादा है? मैं बोला मैं निकलने के चक्कर में हूँ मुमरा के लिए, ये मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, वो मैं भूल गया था बोलना। तो बोले भाई साहब अपना अम्मी की उम्र कितनी है? तो मैं बोला 80। और बोले अपने छोटू की, मेरा बच्चा बहुत छोटा है इस वक्त, मेरा 15 साल बाद अल्लाह ताला ने, तो मैं बोला 2 साल। तो बोले भाई साहब आप निकलना नहीं, ये बीमारी आपको मालूमात नहीं है। इसने ये ऐसी सियासत किया होगा, जिसने भी किया होगा, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, उसके सामने आएगा भाई साहब। कुछ ऐसे मैंने किया तो मुझ पे आएगा, मेरी आल औलाद पे आएगा, और जिसने किया उसकी आल औलाद पे जाएगा, क्योंकि ये कयामत सुगरा थी। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये कयामत सुगरा थी, इसके अंदर कौन बड़ा कौन छोटा कौन फला कौन क्या कर रहा है, जिसने एक कटोरा पानी पिलाया अल्लाह उसको भी देगा, और जिसने एक चम्मच किसी को खाना खिलाया अल्लाह उसको भी देगा। ये जब लॉकडाउन के बीच जब संस्थाएं लोगों की मदद करने गए, बीच में गए, तो यहाँ पर उन्हें रोका भी जा रहा था, हम नाम नहीं बताएंगे कि कौन रोक रहा था, लेकिन ये क्यों रोका जा रहा था? देखिए मैं वहाँ प्रैक्टिकली था नहीं, अगर रोका जा रहा था तो लोगों को उठ के खड़े होना चाहिए था। किसी के बाप का शहर थोड़ी नहीं है यार, शहर सबका है, सबको काम करने का अधिकार है, अगर किसी ने रोका तो क्यों नहीं लोग रोड पे आए? देखिए मुझे मालूम नहीं कि क्या वहाँ हुआ जमीनी या क्या नहीं, आपके सवाल से मुझे ये आज मालूम पड़ा है। अब इसका मैं भी जरा पता लगाऊंगा कि ऐसा क्या हो रहा था कि क्यों कोई किसी को रोक रहा था काम पे। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि किसी ने किसी को रोका है काम करने से, लेकिन अभी ऐसा हुआ है तो मैं पता लगाऊंगा जरा, कि मैं डायरेक्ट तो नहीं आपको बयान दे सकता कि ऐसा हुआ है। मुझे कई ऐसे लोगों ने, संस्थाओं ने शिकायत की, अगर वो शिकायत किया तो संस्थाओं को चाहिए कि ओपनली आके शिकायत करे और नाम लेके बोले कि सईद अली ने रोका, शमीम खान ने रोका, या शानू पठान ने रोका, या कोई मुमरा का कोई एक्स वाई जेड किसी ने रोका, कि कोई किसी को क्यों रोकेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी को रोकेगा, अगर रोका है तो उसकी शिकायत करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में शिकायत करना चाहिए, शहर किसी के बाप का थोड़ी नहीं है। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, हार जीत सब चलते रहेगा, मैं ना शहर अपनी जगह रहेगा, जैसा लोग बोलते हैं ना। ये इसमें एक चीज सीख लीजिए, ये दौर जो हुआ है कि पैसे वाले की नवाबियत छूट गई है अच्छे अच्छे लोगों की, वो जमीन है ना, वो 7-12 जो रहता है ना, 7-12 वही ट्रांसफर होता है, जमीन अपनी जगह पे रहती है।
जमीन मुस्कुराती है कि ट्रांसफर करते रहो। हाँ, तो भाई साहब जिस तरह से मुमरा कौसा में समाज सेवक हैं, अंधाधुंध समाज सेवक आपको मिलेंगे, गली गली में नेताएं मिलेंगे, नेता मिलेंगे जो है वो जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 10,000 लोगों को राशन पहुंचा दिया, जमीनी स्तर पर उनका कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बीच इतना देने के बावजूद जिस तरह से लोग बता रहे हमने दे दिया, तो ऐसे तो पूरे मुमरा कौसा में हो जाना चाहिए, लोगों को राशन मिल जाना चाहिए। लोग अभी भी परेशान हैं, लोग अभी भी जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता और इंसान तो किसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। काम सबने किया होगा, अल्लाह की ज़ात ही पूरी कर सकती है। बंदे की हिम्मत और ताकत नहीं कि वो पूरे मुमरा शहर के लोगों को, और ऐसा भी नहीं कि पूरे मुमरा शहर का यही काम रह गया, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर लोग परेशान हैं, अभी मिडिल क्लास अपने घर में खा पी रहा है, ऐसा नहीं है। बड़ी कहीं ज़रूरत होती तो वो फ़ोन करता है ना। लेकिन ये है कि गरीब बस्ती है, रोज़ पेट पालने वाली बस्ती थी, रोज़ काम पे जाने वाली बस्ती है, 2 महीना हो गया है, तो ज़रूरियात हर चीज़ की पड़ी है, दूध है, पानी है, शक्कर है। लोगों में आपकी जितनी हैसियत थी आपने किया, 17 टन 18 टन आपने मुमरा कौसा वासियों को राशन दिया, किट बनाकर दिया। तो सुनो, झूठ नहीं है, परवेज है, सारे रिकॉर्ड दर्ज है, और आसिफ गर्दी है, सारे रिकॉर्ड दर्ज है, और विद टेम्पू COVID-19 के साथ में सारी चीजें दर्ज है, आप लोग खुद जाके वहाँ छानबीन कर सकते हैं। मैं झूठ उठ बोलता नहीं हूँ और ना मेरे को पसंद है, वही बात बोल रहा हूँ भाई साहब, एक्टिंग करता हूँ ना, मेरे को दिखावा करने की आदत है भाई साहब। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप जब 17 टन जो है लोगों को बांट सकते हो, ठीक, कलवा मुमरा का विधायक, अरे भाई बांटा ना उन्होंने, वो कितना कर सकते हैं, वो अगर कर दे तो पूरे मुमरा का। मेरी बात सुनिए, इतना जो अनाज उनाज आया बटा, मैं तो था नहीं उसमें, ये खिचड़ी जो पक्की लोगों ने, कितने दिन पक्की, जो भी पक्की, जितने दिन भी पक्की, वो लोगों ने खाया ना, तो भी तो अनाज था। हाँ, वो था। फर्स्ट राउंड में टोटल मेरे ख्याल से ज्यादा तादाद में व्हाट्सएप नहीं संभाला सबको, बराबर है। लेकिन वो कितने दिन चला आपको पता है? के आए तो फेफड़ा ले लिए ना, खराब कर लिए, इतना पहले राउंड में इतना गए। मैंने उनको मना किया, तो मैं बोला कहीं ऐसा तो नहीं है व्हाट्सएप, तुमने मेरे को यहाँ रोक दिया और तुम जानबूझ के वहाँ जा रहे हो, मेरा मैं भी देख रहा हूँ कि तुम रोज वहाँ पहुँच रहे हो और तुम मेरे को बताओ कि कोविड ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने उनसे बात किया बाकायदा ये बात मेरा, तो उन्होंने किया वो टाइम पे जितनी ताकत, इसमें कोई शक नहीं कि जितेंद्र आवाड साहब ने कलवा मुमरा में ध्यान नहीं दिया, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने ध्यान दिया, मगर जिस तरह से उन्होंने ध्यान दिया है ठीक उसी तरह से अगर राशन का भी किट बना के उनके तरफ से बांटते तो आज कितना अच्छा होता। आपको पता है खासदार साहब जो श्रीकांत शिंदे हैं, उन्होंने अपने तरफ से किट बनाकर अपने जो जिस इलाके तक वो पहुंच पा रहे वहां तक बांट रहे, तो ऐसा काम इनको भी करना चाहिए ना। देखिए भाई, ऐसा है कि खासदार साहब ने बांटा, मैं मानता हूँ, मैंने भी सुना कि बांट रहे, कंटिन्यू बांट रहे, ठीक है, बांटना चाहिए, क्यों नहीं बांटना चाहिए। अवार्ड साहब ने भी तो किया, अब वही अनाज को अवार्ड साहब की एक गलती हुई कि अवार्ड साहब ने जो है वो किचन चलाने से बढ़िया, वो बवाल पालने से बढ़िया ये था, वो कीड़ी बना के दे देना चाहिए था, और उस वक्त कीट की जरूरत बिल्डिंग वालों को नहीं थी, पहाड़ों पे थी, गरीबों की थी, रशीद मुल्ला कंपाउंड के पीछे के लोगों की जरूरत थी, पहाड़ पे हमारे पीछे पहाड़ों पे जरूरत थी, बंजारों की जरूरत थी। वो व्हाट्सएप की एक गलती हुई, मेरे को ऐसा लगता है, जिस तरीके से भी ऐसा लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर यही है कि उनको वही टाइम जो अनाज उन्होंने लाए थे अपने पैसे से उसको बांट देना चाहिए था। मेरे शहर के लिए, मेरे मुमरा के लिए, कि तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आपस में मिलजुल कर, आपस में इत्तेहाद बना के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी लोग हो, सब जन एक हो के किसी को नीचा दिखाने का काम ना करो, किसी को ऊपर उठाने का काम मत करो, जो जैसे जो काम कर रहा है उसके लिए एक दूसरे के लिए दुआएं करो, क्योंकि राजनीति हम कर लेंगे, जब वक्त आएगा तब कर लेंगे, चुनाव आएगा तब कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम कितनी अच्छा काम कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने शहरवासियों के लिए। और मैं एक मरतबा फिर मुमरा की तमाम तंजीमें, मुमरा के तमाम कारपोरेटर, मुमरा के तमाम पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पार्टी, MIM, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, जितने भी इस एपेटिक दौर के अंदर काम किया है, वहाँ के शहरवासी, वहाँ के बच्चे, जिन लोगों ने खाना पहुँचाया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, दुआ, और अल्लाह उनकी ज़िंदगी में उनकी ताकत, उनकी कुव्वत बढ़ाए। तो ये थे सैयद अली भाई साहब, जिसको सुनने के लिए
मुमरा कौसा काफ़ी दिनों से बेताब थी, लगभग 52 से 55 दिन लॉकडाउन के जो दरमियान भाई साहब मुमरा कौसा में नहीं दिखे थे, ठीक उसी को लेकर आज मैं भाई साहब को ढूंढ निकाला कि भाई साहब आखिर है कहाँ, तो पता चला कि भाई साहब क्वारंटाइन में हैं और क्वारंटाइन में रहकर मुमरा कौसा वासियों को 17 टन अब तक अनाज उन्होंने बांट चुके हैं, वो भी अपने और वो भी जो है अपने जाति पैसे से उनके ट्रस्ट के थ्रू से, ये जो है मानने वाले। हाँ मानने वालों को जो है उन्होंने जो है ये किया है। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मुमरा कौसा में हालात है और उस हालात को देखते हुए भाई साहब ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उनका कहना ये भी है कि हम आगे भी और जो है इसी तरह से बांटते रहेंगे, ये हम जो है सरकारी तौर पर राशन नहीं बांट रहे हैं, ये हमारा जो है निजी मामला है, हमारा निजी संस्था है जिसके थ्रू हम ये राशन बांट रहे हैं और आगे भी बांटेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।